नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों, सबका मालिक एक है, यह बात तो आपने सुनी होगी और भगवान साईं राम का यह वचन सभी के जीवन काल में कई बड़े चमत्कार करते हैं ये दोस्तों। और यश में भी भगवान साईं राम के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार के चमत्कार अब होने वाले हैं। और 13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर की समयावधि में आपके परेशानियों का भी कुआं भरेगा ये दोस्तों। आपके जीवन काल से यश में भगवान साईं राम सभी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने वाले होंगे और आपके जीवन काल में कई बड़े से चमत्कार करेंगे जिनसे दोस्तों आपका भाग्योदय यश में तय है ये दोस्तों। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में यश में आपको बड़ा चुनौती मिलेगा, कई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिनसे आपका परेशानियों का अंत होगा। शादी दोस्तों यश में आपकी अर्थ तंगियाँ भी आपसे दूर होने वाली है ये दोस्तों। आपको बता दें कि भगवान साईं राम के आशीर्वाद से यह 13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच का जो समय होगा बहुत ही महत्वपूर्ण समय होंगे। शादी दोस्तों इसमें जो ग्रहों की स्थिति भी होगी उनमें कुछ शुभ योग तो एक दो अशुभ योगों का भी निर्माण होगा जहां पर आपको कुछ सावधानियों को भी रखने की आवश्यकता होगी ये दोस्तों। कुल मिलाकर कहें तो यह समयावधि भगवान साईं राम के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, परंतु एक दो कार्य को आपको करने से बचने होंगे ये दोस्तों, वरना आपके कार्यक्षेत्र में विघ्न बधाई आ सकती है। तो दोस्तों सावधान रहना यश में आपका दायित्व होगा ये दोस्तों, इसलिए वीडियो को भूल से भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ये दोस्तों। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यश में समस्याओं का कारण क्या होगा और इनका निवारण क्या होगा ये दोस्तों, कौन सी चीज़ों को लेकर आपको सावधान भी रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान साईं राम के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारियोजन में क्या क्या चमत्कार होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम साईं राम लिखेगा गुरु जी का और भगवान साईं राम का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित गतिविधियों में बेहतरीन सफलता मिलने के योग है। फाइनेंस से संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे दोस्तों, तथा परिवार के साथ कुछ समय मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे जिससे दोस्तों यश में मन प्रफुल्लित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो यह समय अपनी भावनाओं पर संयम रखें दोस्तों, आपकी यह कमजोरी का कोई फायदा भी उठा सकता है। किसी के साथ बात विवाद में यश में ना पड़े अन्यथा पुलिस आदि के चक्कर भी लग सकते हैं। ऋक्ष संबंधी कार्यों में भी यश में आप इनसे दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसको बढ़ाते दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते समय उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी निर्णय लेते समय निर्णय से जुड़े लोगों के साथ चर्चा करके ही आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए जो समय है बहुत ही शुभ समय रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपका बहुत अधिक सोच विचार और फिर सोच समझकर निर्णय लेना तथा कार्यों को स्वयं ही निपटाना आपका विशेष गुण रहेगा दोस्तों। यश में आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा परंतु इससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे ध्यान रखें कि किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आपके द्वारा अपमान ना हो। कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की इच्छा आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य दें ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों मन में चल रहे तनाव को किसी के सामने बोलने की आवश्यकता होगी। यदि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो दोस्तों ना बोलना आपको सीखना होगा दोस्तों। आपके वर्ताव की वजह से परिवार के लोगों की जो है आप पर नाराजगी बन सकती है दोस्तों। यश में निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनेगी, कोई दूरदराज की लाभदायक यात्रा होने की भी योग बन रहा है। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी आपके स्वभाव में उग्रता और गुस्सा आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है तथा यश में स्वभाव की वजह से नजदीकी लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग अपने स्वास्थ्य का जो है इसमें ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय भूतकाल में लिए हुए निर्णय का आर्थिक फायदा यश में आपको मिल सकता है दोस्तों। आ रहे पेशे का योग्य तरीके से निवेश करना होगा, वरना जितना पैसा आया है वैसे ही पैसा खर्च भी होगा दोस्तों। किसी को भी आर्थिक सहायता करने से यश में परहेज करें ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश जो समय है आपके लिए समय प्रतिष्ठा वर्धक है। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं पर भी विजय पाएंगे।
तथा विशेष कर्मियों से मुलाकात भी आपके लिए सार्थक रहेगा। दोस्तों आपकी कार्यशैली सराहनीय रहेगी, घर में मेहमानों की भी आवाजाही होगी तथा समय जो है हंसी खुशी व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय खर्चों की अधिकता की वजह से आपके बजट पर असर पड़ेगा। कभी कभी बहुत अधिक सोचने विचारने में समय हाथ से निकल सकता है, इसलिए दोस्तों योजना के बनाने के साथ साथ उनको क्रियान्वित करने का भी प्रयत्न करते जाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय व्यक्तिगत जीवन बेहतर बनाने की योजना बनाने में लगा सकते हैं। दोस्तों यह समय आर्थिक समस्या की तकलीफ होने की वजह से आप जो है उनसे जुड़ा कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों यह मार्ग केवल आपकी अभी समस्या को ही दूर करेगा, भविष्य के लिए लाभदायक नहीं होंगे, तो दोस्तों ये आपके लिए बेहतर ही होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके अगर करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय इंश्योरेंस व फिर पॉलिसी से संबंधित व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियाँ बन रही है, तो परंतु दोस्तों प्रतिस्पर्धा की अधिकता के कारण तनाव रहेगा, हालांकि आप उनमें सफलता भी प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों यश में सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर कार्यभार की अधिकता हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय व्यवसायिक दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है। दोस्तों आपको काम स्वतः ही बनते जाएंगे, और परंतु ध्यान रखें कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके प्रति जो है साजिश कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने उच्च अधिकारियों के साथ मेल मिलाप रखना बेहतर होगा, और यह समय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जाओं का भी निर्माण करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय में भाग्य पूरी आपके पक्ष में है। दोस्तों आसानी से आप बहुत अच्छे सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दोस्तों प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। यश में कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, किसी प्रकार की फूट यश में आपके ऊपर पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, दोस्तों कार्यस्थल पर दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं ही काम निपटाने की कोशिश करें। दोस्तों अपनी योजनाओं और कार्य प्रणाली को किसी से शेयर ना करें। दोस्तों किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको यह समय परेशान कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध जो है मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियाँ आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी, अचानक किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के संबंधों में खट्टी मीठी नोकझोंक रहेंगी, यश में मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों विवाहित जीवन में खुशहाली रहेगी तथा विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होगी, जिससे दोस्तों आप काफ़ी हद तक अपने आप को अच्छे महसूस करेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों इन्फेक्शन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य का यश में विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से पैरों में दर्द या फिर सूजन जैसी समस्या रहेगी, काम के साथ साथ भरपूर आराम लेने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, एलर्जी या फिर यूनिक इन्फेक्शन जैसी दिक्कत रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों गलत खान पान की वजह से भी आपका तबीयत यश में खराब हो सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों बुखार का भी आपको फीलिंग होगा, तो दोस्तों यश में गलत खान पान से आप परहेज करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आप जो है नहाने से पूर्व नाभि में तेल लगाकर फिर से पूरे शरीर में तेल लगाएं, उसके बाद स्नान करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है और भी बेहतर होंगी। दोस्तों आज के दिन आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आज के दिन आपको जल में अलग अलग फूल डालकर अभिषेक करना चाहिए, बाद में बेलपत्र, चावल, मोगरा और चंदन को शिव जी को अर्पित करना चाहिए। शादी दोस्तों आज के दिन आप शिव जी को आरती करें, इससे शिव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और शादी दोस्तों आपसे भी अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शिव जरूर लिखें, ताकि आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो।